हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर ए मिश्रा के होम्योपैथिक चैनल में स्वागत है। मैं एक होम्योपैथिक दवा के बारे में बताने जा रहा हूं जो मुशब्बर के गोंद से बनती है। उसका नाम है एलोसेक्रोटिना। यह दवा अतिसार, आमाशय, रक्तस्राव, यकृत में खून की अधिकता हो जाने के कारण उत्पन्न बीमारी में तथा बवासीर में इसका विशेष कार्य होता है और यह विशेष फायदा करती है। अगला लक्षण, इसका रोगी मानसिक परिश्रम नहीं करना चाहता है। एलोसेक्रोटिना का मरीज मानसिक परिश्रम से डरता है, मानसिक परिश्रम करना ही नहीं चाहता है। इसका मरीज क्रोधित हो जाता है, बार थोड़ी थोड़ी बात पर चिड़चिड़ापन हो जाता है, लोगों से गुस्सा करने लगता है। ऐसी दशा में एलोसेक्रोटिना 30 दिन में 3-4 बार कुछ दिन तक सेवन करने से इसका मानसिक लक्षण और परेशानी दूर हो जाएगी और मरीज स्वस्थ हो जाएगा। यह एलोसेक्रोटिना का यकृत के ऊपर विशेष क्रिया होती है। यह प्रकट क्रिया, इसकी क्रिया से लीवर में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है और पित्त का भी मात्रा बढ़ जाती है। इस दिशा में एलोसेक्रोटिना 30 4-5 गोली दिन में 3-4 सेवन करें तो ये परेशानी दूर हो जाएगी। उदर रोग की बीमारी में मल का रंग पीला होता है, टट्टी फुसफुसी सी होती है, पानी की तरह पतली होती है और गर्म आंवशुदा रक्तस्राव सहित पखाना होता है। इसमें दर्द मालूम पड़ती है कि कटने फटने जैसा दर्द होती है और मरीज ज़्यादा टट्टी हो जाने की वजह से कमज़ोर हो जाता है और उसको घबराहट सी होने लगती है। इस परिस्थिति में एलोसेक्रोटिना 30 दिन में 3-4 कुछ दिन तक सेवन करने से मरीज ठीक हो जाएगा। अगला लक्षण, शूल के दर्द में भी यह विशेष फायदा करती है। पेड़ू के दाहिने ओर मरोड़ होना, दर्द कटने फटने जैसा होता है, मरीज की परेशानी बढ़ जाती है। पखाना होने से पहले एवं होने के बाद पेट में दर्द महसूस होती है। ठंडी चीज़ से इसको आराम मिलता है, लेकिन मरीज को पसीना ज़्यादा आता है, कमज़ोरी महसूस होती है। इस परिस्थिति में एलोसेक्रोटिना 30 में 3-4 पानी में डालकर देने से आराम मिल जाएगा। अगला लक्षण, बवासीर की बीमारी में इसका विशेष कार्य है। पखाने के वेग के साथ साथ अंगूर के गुच्छे जैसा मशा बाहर निकल जाता है और मल द्वार में जलन होती है, दर्द होने लगता है और खुजली होती है, मरीज परेशान हो जाता है। ऐसी दशा में एलोसेक्रोटिना 30 2-3 तक दिन में 3-4 कुछ दिनों तक सेवन करने से मरीज को बवासीर के रोग से मुक्ति मिल जाएगी और स्वस्थ हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। सर दर्द में इसका विशेष कार्य है। पखाना होने के बाद, पखाना शुरू होते ही
मरीज के सर दर्द बंद हो जाता है और पखाना जब बंद हो जाता है तो उसका सर दर्द फिर से शुरू हो जाता है। ये क्रिया बार बार लगी रहती है। इस अवस्था में एलोसोकोटिना सेवन करने से सर दर्द की बीमारी दूर हो जाएगी। अगला लक्षण कमर दर्द, लुम्बैगो, जिसको लुम्बैगो कहते हैं। मरीज जरा सा हिलने डुलने जब लगता है, इधर से उधर होने लगता है, तो उसको दर्द बढ़ जाती है। और दर्द इतना तेज बढ़ती है कि कुल्हे की हड्डी में मालूम पड़ता है किसी ने सुई चुभा रहा हो। और सर दर्द, अरे कमर दर्द, कमर से नीचे तक फैल जाती है और इसके साथ साथ बवासीर में भी दर्द होने लगता है और मरीज परेशान हो जाता है, पीड़ा से तड़फाने लगता है। ऐसी दशा में एलोसोकोटिना का प्रयोग करने से मरीज कमर दर्द की बीमारी दूर हो जाएगी। चर्म रोग की बीमारी में एलोसोकोटिना का चर्म रोग हर जाड़े में उभरता है, जाड़े के दिन में ही उभरता है और इतनी खुजली होती है, जलन होती है कि मरीज परेशान हो जाता है। ठंडा चीज सेवन करने से या ठंडी हवा लगने से उसको आराम मिलता है। ऐसी परिस्थिति में एलोसोकोटिना कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से मरीज को चर्म रोग से मुक्ति मिल जाएगी, आराम हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ मेडिकल स्टोर से लेकर इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद लगे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।